हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग के काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टाइप वन आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बता दिया। और मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स दोनों पर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा और उसके इजी अप्रोच मतलब ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा, उसके जनरल मेथड के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टाइप टू काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग इसका बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर केस वन और केस टू। केस वन का मतलब है कि जब हमारा रो और कॉलम बराबर हो, जब हमारा रो और कॉलम बराबर हो। केस वन में हमारा क्या होता है, रो कॉलम के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि रो को हम यम से दिखाते हैं और कॉलम को यन से दिखाते हैं, तो यहाँ पे दोनों यन बराबर यन होगा या यम बराबर यन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रो बराबर कॉलम होना चाहिए। ठीक है, जब रो बराबर कॉलम होता है तब हम स्क्वायर्स की काउंटिंग कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन ले लिया और मुझे यहाँ पर स्क्वायर्स की संख्या को बताना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो रो मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होता है हमारा रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा रो है और ये हमारे कॉलम को। तो हमारा रो की संख्या कितना है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब हमारे पास कुल तीन रो हैं। और कॉलम की संख्या कितना है, एक दो तीन, मतलब कि हमारे यहाँ पर कॉलम की भी संख्या तीन है, मतलब यहाँ पर रो बराबर कॉलम है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर हम इसको जनरल मेथड से काउंट करेंगे तो चलिए काउंट करते हैं स्क्वायर्स की संख्या। एक ये हो जाएगा, दो ये, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ठीक है दोस्तों, ये नौ हो गया। उसके बाद देखिए, दो दो को इसको मिला के बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलिए चार चार को मिला के देखते हैं। तो पहला ये बनेगा एक, दूसरा ये बनेगा दो। ठीक है दोस्तों, दो यहाँ से बना, फिर यहाँ से दो बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, चार। तो नौ चार तेरह। ठीक है दोस्तों, तो पूरा हमारा यहाँ पे तेरह बन गया। अब पूरे को मिला के हमारा एक बनेगा तो चौदह बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ ये हो गया। उसके बाद दो दो को मिला के देखते हैं, एक और ये दो, फिर इससे एक और ये दो, और पूरे को मिला के बनाएंगे तो एक, तो नौ चार तेरह प्लस एक चौदह हो गया। चलिए अब इसके लिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक हमारा दोस्तों बोलता है, ट्रिक के अनुसार हमारा होता है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, जहाँ पर यन क्या है, यन किसी भी छोर पर बना सबसे छोटे वर्गों की संख्या, जहाँ यन हमारा क्या है, किसी भी एक छोर पर बना सबसे छोटे वर्गों की संख्या। अब इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या लिखा है, किसी भी एक छोर पर बना, चाहे हम इधर से शुरू करें, चाहे इधर से शुरू करें, चाहे इधर से शुरू करें, चाहे इधर से, हम किसी भी एक किनारे को चूज कर सकते हैं, किसी भी एक छोर से हम शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ से भी शुरू करेंगे तो वन टू थ्री आ रहा है, यहाँ से भी शुरू करेंगे तो वन टू थ्री आ रहा है, यहाँ से भी शुरू करेंगे तो वन टू थ्री आ रहा है, और यहाँ से भी शुरू कर रहे हैं तो वन टू थ्री आ रहा है। तो चल, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको लेके चलते हैं, मानते हैं तो वन टू थ्री, तो एक छोर पर हमारे सबसे छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, थ्री है। तो यन तक हमें जाना है, तो यहाँ पर यन हमारा कितना है, थ्री है। तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, इस फिगर के लिए आंसर हो जाएगा ट्रिक के अनुसार, सभी का स्क्वायर करते जाना, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, और यन यहाँ पर हमारा तीन है तो प्लस थ्री स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये नाइन प्लस फोर प्लस वन, ये फोर्टीन। देखिए जनरल मेथड से भी हमको बता दिया आपको, और ट्रिक से भी बता दिए। तो अब दूसरा केस है, जब रो कॉलम के बराबर ना हो, रो नॉट इक्वल टू
कॉलम हो, तब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता तब क्या करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे आपको समझाते हैं। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, तो इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है, 1 2 3, रो की संख्या 3 है, बट यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, 4 है। मतलब यहाँ पे रो कॉलम के बराबर नहीं है। जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है तो दोस्तों उसके लिए ट्रिक होता है, उसके लिए दोस्तों हमारा ट्रिक होता है m × n प्लस m−1 × n−1 प्लस m−2 × n−2 × n−2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तब तक करते हैं जब तक 0 हमारा लास्ट में ना मिले। दोस्तों ये देखिए, देखने से आपको डर लग रहा होगा कि फार्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए अब इसको हम कैसे समझाते हैं। हम पहले हम देख लेते हैं, यम बराबर जहाँ रो की संख्या है और यन हमारा कॉलम की संख्या है। यम हमारा रो को बता रहा है, यम हमारा रो को बता रहा है और यन हमारा कॉलम को बता रहा है, यम हमारा रो को बता रहा है और यन कॉलम को बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब ये रो और कॉलम को बता रहा है तब इसको हम देखिए, फार्मूला आपको डराएगा नहीं। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। ये रो, यहाँ पर हमारा रो की संख्या कितनी है, यहाँ पर हमारा रो की संख्या 3 है, यम इक्वल टू 3 दिया है और यन इक्वल टू हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या दिया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है फार्मूले से, 3 × 4, फिर प्लस करना है, फिर देखिए रो में से भी एक घटाना है और कॉलम में से भी एक घटाना है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो रो में से एक घटाए तो 2 आया, कॉलम से एक घटाए तो 3 आया, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस करना, फिर देखिए, फिर रो में से एक घटाना था, अरे यहाँ से एक घटाए फिर एक घटाए तो पूरा 2 घटाना, तो या तो डायरेक्ट 2 घटा दीजिए या तो एक एक करके घटाते जाइए। तो हम यहाँ अगर इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे तब पर भी 1 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तब पर भी 1 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तब पर भी 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 2 प्लस, अब देखिए हम आगे यहाँ पर अब आएंगे तो 0 आ जाएगा, रो की संख्या 0 × 1, अब देखिए 0 आ ही गया। तो ये तब तक करना था जब तक हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, 3 × 4 = 12 प्लस 6 = 18, 18 × 2 = 20, ठीक है दोस्तों। फिर से देख लीजिए, 3 × 4 = 12 प्लस 6 = 18, 18 × 2 = 20, ये तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से में पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें वर्गों की संख्या, पूरा टोटल वर्गों की संख्या पूछा है, स्क्वायर्स मतलब वर्ग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो देखिए इसमें ये यम बराबर यन का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि नहीं। 1 2 रो हैं हमारे पास, ये 2 रो हैं और 2 हमारे पास कॉलम भी हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 1² + 2² मतलब 5 हो जाएगा। फिर इसके लिए आते हैं, तो इसमें भी तो 2 रो हैं, 2 रो और 2 कॉलम, तो इसका भी 5 हो जाएगा, और इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 15, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 = 15। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो चलिए हम सबसे छोटे वाले स्क्वायर्स को लेके आपको समझाते हैं। तो सबसे छोटा वाला स्क्वायर हमारा ऐसा ही बना है ना, अगर मैं इसको डायरेक्ट भी गिनता हूँ, अगर नॉर्मल मेथड से भी गिनता हूँ तो 1 2 3 4, फिर इन चारों को मिला के एक बना तो पूरा ये 5 बन गया। यही तो हमारा बड़े रूप में बस बना है, तो ये 5 हो गया, ये 5 है और ये 5 है, तो 15 हो गया। बट अगर इसको हम ट्रिक से करना था तो हम क्या क्या कहते, किसी भी एक छोर पर सबसे छोटे वर्गों की संख्या लिख लेना है। तो 1 और 2 आया, तो 1 2 आया तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये भी 5 आ गया। तो मैं दोनों मेथड से बता दिया दोस्तों, ये देखिए 5 सबसे छोटे वाले ये वर्ग के लिए, फिर 5 ये इससे थोड़े बड़े वाले वर्ग के लिए, और ये 5 सबसे बड़े वाले वर्ग के लिए, तो ये आंसर हो गया 15, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह हमारा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स हमारा खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स में भी 2 केस बनता है। पहला केस होता है जब रो कॉलम के बराबर हो, जब रो
कॉलम के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, जब रो और कॉलम के बराबर हो, तो देखिए जब रो और कॉलम के बराबर होता है तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग दोस्तों ट्रिक की सहायता ही से ही बताएंगे, क्योंकि इसको नॉर्मल मेथड से काउंट करने पे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जब रो कॉलम के बराबर हो तब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लीजिए तीन रो हैं और तीन कॉलम है इसमें, जब रो कॉलम के बराबर हो, तो तीन रो और तीन कॉलम है, तो जब रो और कॉलम के बराबर होता है तो इसके लिए ट्रिक होता है 1³ + 2³ + 3³ + …n³, जहां n बराबर किसी भी एक छोर पर बने सबसे छोटे छोटे आयतों की संख्या। रेक्टेंगल मतलब दोस्तों आयत होता है, ठीक है, हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी एक छोर पर बने सबसे छोटे आयतों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, उसमें क्या था, वर्ग वाले में स्क्वायर करना था, ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, तो हमारा एक छोर चाहे यहाँ से काउंट कर दीजिए, चाहे यहाँ से काउंट कीजिए, चाहे यहाँ से काउंट कीजिए, चाहे यहाँ से काउंट कीजिए, आप कहीं से भी काउंट कीजिए, आपका 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3। ठीक है, तो 3 है, तो यहाँ पर n बराबर हमारा 3 है, तो हमारा ट्रिक 3 तक ना जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1³ + 2³ + 3³। तो 1³ मतलब 1, 2³ मतलब 8, 3³ मतलब 27। तो 27 और 9 कितना होता है, 36 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आयतों की संख्या कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, यहाँ अगर n बराबर 4 रहता तो यहाँ पर हम 4 तक जाते हैं, मतलब यहाँ +4³ भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम यहाँ पर केस 2 की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 है जब हमारा रो कॉलम के बराबर नहीं हो, रो नॉट इक्वल टू कॉलम। तो हम बताए थे कि रो को m से दिखाते हैं और कॉलम को n से दिखाते हैं हम दोस्तों, अभी आपको बताया है कि रो को m से दिखाते हैं और कॉलम को n से दिखाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा रो की संख्या कितनी है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। तो दोस्तों जब यहाँ पर रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उसके लिए ट्रिक होता है, जितना रो दिया वन से लेके उन सभी को ऐड करते जाएंगे, तो 1+2+3+…m तक, क्योंकि m हम रो को m से दिखाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 1+2+3 और कहाँ तक जाएंगे, यम तक जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐड करना है 1 से लेके m तक, और जहाँ m मतलब आपका रो है और n मतलब कॉलम है। तो पहला हम रो को काउंट करेंगे जितना वो दिया रहेगा, और दूसरा हम कॉलम को काउंट करेंगे जितना वो दिया रहेगा, और उन सभी को जोड़ देना है, और उसके बाद उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रो कितना है, यहाँ पर हमारा रो 3 है, यहाँ पर हमारा रो की संख्या कितनी है, यहाँ पर हमारा रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। तो मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 तक ही जाएंगे ना, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा रो की संख्या 3 है। तो 1+2+3 और कॉलम में 1 से लेके 4 तक जाएंगे, उन सभी को 1 से लेके 4 तक ऐड करेंगे। तो 1+2+3+4 तो ये 6 हो जाएगा, इंटू 4 3 7 दोनों 1 10, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आयतों की संख्या कितना हो गया,
यहाँ पर आयतों की संख्या 60 हो गया आंसर। दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचाइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और इसको शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारे चैनल से आप अभी नए नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।